जेसीबी और एक रोलर। ये जो यहाँ पे क्या हुआ, ये घर वाले के पास पानी आ रहा, उसने लाया एक ट्रैक्टर भर के डाल दिया, वहाँ ढिगार कर दिया, तो उसका शेप खराब होगा पूरे रोड का। पहले आप इसका शेप सही करो और जहाँ गड़ा है वहाँ पे लाके मुरम डालो और उसके बाद में रोलर मारो। तो ये आप ये अपना महानगर पालिका करता सौ रुपये लेवल कर रहा हूँ। सईदा कॉलोनी के तमाम नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जैसे आने का हमारा यहाँ पे मकसद, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने इनके हिदायत पर हम यहाँ पर आए। जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर यहाँ की तमाम आवाम ने जो मोहब्बत, जो जज्बा और जो अपने वोट उनको दिए, जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में इम्तियाज़ जलील साहब हमारी क़ियादत कर रहे हैं। यहाँ से वो खासदार चुनकर आए, उसीलिए उन्होंने कहा कि जितनी हमारी बस्तियाँ है जो शहर के अतराफ में है, जहाँ पे लोग तकलीफ़ में रह रहे हैं, जो उनकी परेशानियाँ है, जो मसले मसाइल है, ये ज़ाती तौर पर तमाम मजलिस के कारपोरेटर, मजलिस के ज़िम्मेदार वहाँ पर जाए, लोगों से राबता कायम करें और लोगों से मुलाकात करके जो वहाँ के मसले मसाइल है उसको देख कर आए। जो खासदार साहब के लेवल के मसले मसाइल होंगे, इंशाल्लाह वो उनके सामने हम रखेंगे, और जैसे जो कारपोरेटर्स या म्यूनसिपल कारपोरेशन के लेवल के मसले मसाइल है, तो आज आपके बीच में हमारे महानगर पालिका के अपोजिशन लीडर, विरोधी पक्ष नेता अरुण भाव बोर्डे यहाँ पर है, ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी साहब, कारपोरेटर अजीम साहब, कारपोरेटर रफीक पठान साहब और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान आसिफ भाई और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह जैसी शुरुआती दौर में यहाँ पे मसले मसाइल आप लोगों ने बताए, तो उसको फौरी तौर पे किस तरीके से हल किया जा सकता है, उसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उसी को शुरुआत करते हुए हमारे विरोधी पक्ष नेता अरुण भाव ने और नासिर सिद्दीकी साहब ने अभी इंजीनियर्स को भी यहाँ पर बुलाया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, जो फौरी यहाँ पे सहूलत हम दे सकते हैं उसकी हम कोशिश करेंगे। दूसरा रहा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर दिख कर आया कि जो MSEB का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, जो लाइट का इशू है, उसके लिए इंशाल्लाह खासदार साहब कल या परसों यहाँ पर औरंगाबाद में रहेंगे, तो नासिर सिद्दीकी साहब, अरुण भाव और तमाम लोग उनसे ये मसले उनके सामने रखेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते में यहाँ पर कम से कम वो इंजीनियर आके विजिट करें कि इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है, उसकी भी हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, जो मोहब्बत, जो जज्बा, जो वोट आपने इम्तियाज़ जलील साहब को दिए, और आज आप लोगों के मोहब्बत के वजह से खासदार साहब आज पार्लियामेंट में जो है तो हमारी क़यादत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मजलिस ये वादा आपसे करती है कि जितने मसले मसाइल हो, भले एक साथ में हल ना हो, लेकिन इंशाल्लाह थोड़े थोड़े कर कर हम इसको पूरी तरीके से कोशिश करके इसको हल करने की। यहाँ पर तमाम आए हुए इमाम के कार्यकर्ताओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने यहाँ पर आए और इस वार्ड के अंदर जो है तो सर्वे किया और यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल है उनसे बातचीत की और लोगों को यहाँ पर आश्वासन दिया कि हम जो है तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है तो यहाँ पर काम चालू करेंगे, और यहाँ के लोगों ने उनसे मुलाकात की और अपने मसाइल उनके सामने रखे और उन्होंने जो है तो अपने मसाइल बताए। यहाँ के जो मसाइल थे, यहाँ पर जो है तो MSEB का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जो यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है जगह, और वो यहाँ पर जो है तो लाइट नहीं है, पोल नहीं है और ड्रेनेज का यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है, और जो है यहाँ रोडों का जो मसला है, यहाँ पर रोड में घरों के सामने जो है तो दो दो एक एक डेढ़ डेढ़ फुट जो है तो पानी जम जाता है, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द जो है तो इन मसलों को हल करेंगे, और यहाँ पर जो लोगों ने हमारा साथ दिया, जिसमें मदर खान और अपने जफर देशमुख साहब, और इसी तरह से यहाँ के इमाम साहब, उन्होंने बिल्कुल हमारी मदद, यहाँ पर जो लोगों से मुलाकात कराई, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आसिफ पटेल, MIM का कार्यकर्ता,